हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, फैमिली नंबर 11th, दैट इज़ एपीएससी फैमिली। ओके, तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फैमिलीज के बारे में पढ़ लिया है, लाइक रननक्यूलेसी, पेपावरेसी, ब्रैसिकेसी, कैप्रिडेसी, कैरोफिलेसी, मालवेसी, रुतेसी, कुकुरबितेसी। ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारी फैमिलीज कवर की हुई हैं और हम लोगों ने बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी देखा है, उन सभी की ट्रिक्स भी देखी हैं कि उन्हें कैसे याद करना है। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप लोग की ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत फैमिलीज और बची हैं, उनको भी हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार विज़िट करिए, और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। यहाँ पर आपको बहुत वंडरफुल वीडियोस मिलती हैं विथ सो मैनी ट्रिक्स टिप्स, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ कि आप लोग को फुल टू फुल नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, और ये सभी के सभी मेरे हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं, बस इनको मैं स्लाइड में अपलोड करती हूँ, यहाँ पर आप लोग को पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इजली नोट्स भी बना सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड कवर्स द टूडेज टॉपिक, दैट इज़ फैमिली नंबर 11, एपीएससी फैमिली। 11 एपीएससी फैमिली। एपीएससी फैमिली को हम लोग बोलते हैं सिलेरी या फिर कैरेट फैमिली, सबसे ज़्यादा इसको कैरेट फैमिली बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें गाजर जो होता है वो इसको सबसे ज़्यादा, इसमें इकोनॉमिक वैल्यू गाजर की होती है, तो इसे इसीलिए कैरेट फैमिली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्लास जो है वो डाइकोटिलीडोनी है। डाइकोटिलीडोनी मतलब कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस होंगे, और जो हमारी लीव्स होंगी वो रेटिकुलेट विनेशन शो करेंगी, ठीक है। सब क्लास की बात करें तो पॉलीपिटैली, पॉलीपिटैली मतलब कि जो पेटल्स होंगे वो फ्री होंगे, और जो हमारे कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। सीरीज कैल्सीफ्लोरी की बात करें तो यहाँ पर जो ओवरी होगी वो इन्फीरियर होगी गाइनोशियम में, और क्योंकि ओवरी इन्फीरियर है तो हमारा फ्लावर जो होगा वो एपिगाइनस होगा। अम्बलेल्स, अम्बलेल्स यहाँ पर इनका ऑर्डर है, आगे इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है, स्किप मत करिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इस फैमिली में अगर हम देखें ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 275 जेनरा मिलते हैं एंड ओवर 2850 स्पीसीज में पाई जाती हैं। इंडिया की बात करें तो 275 पूरे वर्ल्ड में से अगर बात करें तो 53 जेनरा पाए जाते हैं एंड 200 स्पीसीज इनकी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? तो अल्पाइन हिमालयाज में या फिर कुछ वार्मर पार्ट में हमारे इंडिया के। बहुत ज़्यादा इसमें जेनरा जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद होने ही चाहिए वो है आपका एपियम, डॉकस, कोरिएंडमम जिसका मतलब है कोरिएंडर, ठीक है, धनिया, ठीक है। उसके बाद एस्कोइटिडा, हींग, हाइड्रोकोटाइल, फिर क्यूमिनम, सिंटेला, फिर फॉइनिक्यूलम, डाउकस एंड ट्राइकोस्पर्मम। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट जेनरास थे जिनमें से आपको एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल तो याद करने ही है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा याद कर रहे हैं, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम हमेशा से ही वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इनकी रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम शो करती है, मतलब कि इसमें हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का, ठीक है, कि कौन सी प्राइमरी रूट है, कौन सी टर्शरी है, कौन सी सेकेंडरी है, ठीक है। उसके बाद इनके जो रूट्स होते हैं वो ब्रांच्ड भी होते हैं एंड सम टाइम जो होते हैं वो स्वेलन भी हो जाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। स्वेलन क्यों होते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। तो फूड मटेरियल के स्टोरेज के लिए यहाँ की जो रूट होती हैं एपीएसी फैमिली की वो क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं, ठीक है। फूल जाएंगी तो कुछ ऐसी हो जाएंगी, नॉर्मल रूट भाई पतली पतली होती हैं, फूल जाएंगी तो कुछ ऐसी दिखाई देंगी। और क्यों फूलती हैं? क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, इस फूले हुए के अंदर हमारा स्टोरेज मटेरियल भरा होता है जो कि रूट स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल है कैरेट जिसका कि नाम है डाउकस कैरियोटा, तो ये आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि जो रूट होती हैं वो स्वेलन होती हैं बिकॉज उसमें फूड मटेरियल जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेम की बात करें तो स्टेम इरेक्ट भी हो सकती हैं एंड प्रोस्ट्रेट भी हो सकती हैं। इरेक्ट मतलब ऐसे सीधी भी हो सकती हैं, प्रोस्ट्रेट मतलब लेटी हुई भी हो सकती हैं, या थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, या फिर क्लाइंबिंग भी हो सकती हैं जैसे कि स्यूडो कार्बम में। इनमें सॉलिड नोड्स भी पाया जा सकता है, समटाइम रिस्ट होती हैं, फिस्टुलर भी हो सकती हैं, और ग्लाउकस मतलब कि ग्रे कलर के ये हो सकते हैं, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो देखो इनफ्लोरेसेंस, इसमें अम्बल इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, ये आपकी मेन स्टेम है, और ये जो है ये है पेडिसल, ठीक है। तो ये इनके जो फ्लावर होते हैं जो वो पेडिसिलेट भी होते हैं, ठीक है, तो पेडिसल है इसमें। और ऊपर चल करके यहाँ पर टॉप पर ऐसे ये बने हुए हैं फ्लावर। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अम्ब्रेला है, सी ये नहीं लग रहा है कि
ऐसे अम्ब्रेला बना हुआ है, इसीलिए इसमें अम्बल इन्फ्लोरसेंस इसको कहा जाता है। और ये अगर आप ऊपर से टॉप व्यू देखते हो तो आपको ये नज़र आएगा, एकदम ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो, और ये अगर साइड व्यू देखोगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा। तो इसमें याद रखना कि एपिएसी फैमिली में एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका कि इसमें अम्बल इन्फ्लोरसेंस पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इनमें ब्रैक्टिएट होते हैं, मतलब ब्रैक्स प्रेजेंट होगा, हर्माप्रोडाइट होते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल दे बोथ आर ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर दोनों पाए जाएंगे। दे आर पेंटामेरस, देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनके फ्लावर्स होंगे पेंटामेरस, एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब कहीं से भी काटोगे सिमेट्री सेम आएगी। फ्लावर इपीगाइनस होंगे क्योंकि जो इनमें ओवरी होगी वो इन्फीरियर होगी, ठीक है। ये आपको फ्लावर के बारे में समझ में आ गया। अब देखो ये रहा आपका बीच का पेडंकल, ठीक है, मैंने बताया पेडिसल पेडंकल, तो एक्चुअली में ये पेडिसल होता है, पेडिसल से जो निकली हुई होती हैं लाइक ये है आपकी क्या सेकेंडरी पेड, या तो आप इसको पेडंकल बोलो या तो फिर अगर आप इसको पेडंकल बोल रहे हो तो ये प्राइमरी हुई फिर ये सेकेंडरी हुई, लेकिन अगर आप इसको पेडिसल बोलोगे तो फिर आपको इसको पेडंकल बोलना है, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारी प्राइमरी पेडंकल है, तो ये जितनी है हमारी, ठीक है, ये वाली जितनी है दे ऑल आर सेकेंडरी पेडंकल, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंडरी पेडंकल हो गई। फिर बीच में होता है ब्रैक्ट, ठीक है, और बहुत सारे जब ब्रैक्ट मिल जाते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, वो बन जाते हैं इनवॉल्यूक्रे, ठीक है। क्या बन जाते हैं, देखो ये यहाँ पर आपको इनवॉल्यूक्रे नज़र आएगा, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पर भी हैं, देखो दिस वन, ये ब्रैक्ट्स हो गए। तो ब्रैक्टिएट हमने पढ़ा ना कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं दे आर ब्रैक्टिएट, क्योंकि उसमें देखो ऐसे नीचे की तरफ ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी फ्लावर की बात करें तो ये देखो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहे ना, ये ऊपर की तरफ ऐसे इनमें ये फ्लावर्स पाए जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि ये हो गया आपका, लेट मी क्लियर इट, ठीक है, ये हो गया आपका पेडंकल, ये हो गए आपके इनवॉल्यूक्रे, और ये हो गई आपकी सेकेंडरी पेडंकल, ठीक है, ये रेड वाला, और ये हो गए आपके फ्लावर्स, ठीक है, समझ में आ गया इनका स्ट्रक्चर। कैलिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके 5 सेपल्स पाए जाते हैं कैलिक्स के अंडर, ठीक है, क्या 5 सेपल्स पाए जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ मत जानो। कोरोला यहाँ पर 5 ही पाए जाएंगे, डिस्टिंक्ट पेटल इसमें होंगे, ऑल्टरनेट करेंगे सेपल से, मतलब कि अगर एक पेटल होगा तो एक सेपल, फिर एक पेटल होगा तो एक सेपल, ठीक है। पेटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ही गिर जाते हैं इन प्लांट्स में से, जो एस्टिवेशन होगा वो इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट हो सकता है, जो पेटल्स होते हैं वो 2 लोब्ड में भी पाए जा सकते हैं, और जो हमारे फ्लावर्स होते हैं जैसे कोरिएंडम के, वो उनमें अनइक्वल पेटल पाया जाता है। तो ये इसको याद रखना कि हमारे जो कोरिएंडम होते हैं जो कि हमारे धनिया होंगे, उनमें जो फ्लावर होते हैं वो अनइक्वल उनमें पेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंडोशियम की बात करें तो अगेन 5 डिस्टिंक्ट स्टैमेन इनमें पाए जाएंगे, कितने 5 पाए जाएंगे, ऑल्टरनेट करेंगे पेटल्स के साथ, ठीक है, किसके साथ, पेटल्स के साथ ये ऑल्टरनेट करेंगे। दे अराइजेस फ्रॉम द इपीगाइनस डिस्क, ये इपीगाइनस डिस्क के ऊपर से निकले रहेंगे। द फिलामेंट आर इन्फ्लेक्स्ड इन द बर्ड एंड द एंथर, एंथर कैसा होगा ये याद रखो, बेसी फिक्स्ड भी हो सकता है, डॉर्सी फिक्स्ड भी हो सकता है, डाइथीकस भी हो सकता है, इंट्रोस भी हो सकता है, और ओपनिंग जो होती है वो लेंथ वाइज इसकी हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये रहा पेटल, देखो दिस वन इज पेटल, मैं कलर कर दे रही हूँ, ठीक है, ये हमारा पेटल है, और ये जो हम रेड कलर से बनाएंगे ये हमारे क्या है, स्टेमेंस है। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने स्टाइलोपोडियम, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये आगे मैं आपको गायनोशियम में बताती हूँ कि स्टाइलोपोडियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैमिली में। देखो गायनोशियम तो सबसे पहले कार्पल 2 प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बाईकार्पलरी होंगे, सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड होंगे, इन्फीरियर इसमें बाइलोक्युलर ओवरी पाई जाएगी, सोलेट्री पेडंकल, देखो इसमें वही पेडंकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाएगा, प्लासेंटेशन जो होगा वो एक्साइल होगा, याद रखना प्लासेंटेशन एक्साइल होगा, इपीगाइनस डिस्क इसमें प्रेजेंट होगा जिसको स्टाइलोपोडियम बोलते हैं। अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फैमिली कि इसमें स्टाइलोपोडियम प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टॉप ऑफ द ओवरी इज प्रोलॉन्ग इन टू 2 स्टाइल विच आर थिकेंड एट द बेस, द स्टिग्मा आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द स्टाइल। देखो मैं आपको बताती हूँ, आई डोंट नो कि आपको ये दिख रहा होगा या नहीं, बट कोशिश करना कि आपको दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर देखो मैं पहले येलो कलर ले लेती हूँ, तो ये है आपका पेडंकल, जब भी आप तोड़ोगे तो ये आपको पेडंकल नज़र आएगा, ठीक है, दिस पार्ट कलर करते जा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ईजी हो समझने में। ये हमारा है पेडंकल,
ठीक है, ये रहा पेडंकल। उसके बाद हम बात करेंगे पेटल की। तो हम पेटल देखते हैं कि ये वाला पार्ट है दिस वन, ये वाला पार्ट जो मैं बना रही हूँ दिस वन इज पेटल, ठीक है, ये हमारे पेटल हो गए। उसके बाद स्टाइल, ठीक है, स्टाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ना छोटा सा ना पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकला हुआ रहेगा जिसको कि हम स्टाइल करेंगे, जो कि हम रेड कलर से बना रहे हैं उसको हम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंथर होगा, इन डाइस्ड, इन डिहाइज्ड एंथर, मतलब धसा हुआ टाइप का एक एंथर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये एंथर्स प्रेजेंट हो गए। फिर यहाँ पर डाइस्ड, ये ऊपर, मतलब ऊपर चढ़ा हुआ एंथर है, ठीक है, एकदम ऊपर टॉप पे पाया जाएगा, तो ये डिहाइज्ड है और ये इनडिहाइज्ड है, मतलब ये तैयार है, ये पॉलन ग्रेन देगा और फिर यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बट ये अभी तैयार नहीं है, ये मैच्योर नहीं है कि अभी तुरंत पॉलन ग्रेन दें और फिर हो जाए। और यहाँ पर टू लोब स्टाइलोपोडियम पाया जाएगा, स्टाइलोपोडियम एकदम बीच में, जैसे कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है, मैं कैसे किस कलर से करूँ, येल्लो से ही कर दे रही हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट है ये है स्टाइलोपोडियम, ठीक है, चलो इसको समझ लो, ये है पूरा जो मैंने किया स्टाइलोपोडियम, और इसी में से मैंने रेड कलर का स्टाइल निकाला था ना, तो यहाँ पर हम इस तरीके से रेड कलर का स्टाइल निकला हुआ देखेंगे। तो स्टाइल के नीचे है उसको, जैसे होता है ना पोडियम, आप इंटरव्यू देते हो या फिर आप कोई लेक्चर देते हो तो आपको एक पोडियम प्रोवाइड किया जाता है कि लीजिए यहाँ पर चढ़िए और फिर यहाँ से अपने जो भी बातों के उसको रखिए सामने। तो स्टाइल को भी एक तरीके का एक स्पेशल जगह दिया गया है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसको हम पोडियम बोल रहे हैं, क्योंकि उसको स्टाइल को दिया गया है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे स्टाइल को दिया गया है, तो हम बोलते हैं कि ये स्टाइलो पोडियम है, ये स्टाइल की अपनी एक जगह है, एक पोडियम है, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, देखिए ये अब हम इसमें गायनोशियम देखेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले समझो, ये रहा फिर से हमारा पेडंकल, अगेन ये रहा हमारा पेडंकल, ठीक है, पेडिसल या पेडंकल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इन्फीरियर टू लॉक्यूल्ड ओवरी, हमारी ओवरी है ये, ठीक है, ये ओवरी है। उसके बाद जस्ट उसके ऊपर ये कुशन लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो कि दो टू लोब्ड है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, ये हो गई हमारी टू लोब्ड स्टाइलोपोडियम। उसके बाद इसके ऊपर आप स्टाइल देखते हो, ठीक है, ये रहा आपका स्टाइल, ये रहा आपके ये स्टिग्मा, एंड अगेन दिस वन इज द स्टाइल एंड दिस वन इज द स्टिग्मा। समझ में आया, ये फीमेल पार्ट आपको समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज वॉट हमारा मेल वाला, ये था हमने मेल समझा, ये मेल हो गए मेल फ्लावर और ये हो गए हमारे फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो इन दोनों में ही आपने स्टाइलोपोडियम देख लिया। देखो इनका जो फूड होता है वो साइजोकार्प होता है, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइजोकार्प, ये बहुत इसमें स्पेशलिटी है, साइजोकार्प इनमें पाया जाता है, ठीक है, बस इतना ही याद रखो। अगर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना हो तो आप ये पढ़ सकते हो, वैसे इसमें कुछ है नहीं। इसमें कार्पो फोर पाया जाता है जो कि हाँ इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, बीच में ऐसे कार्पो फोर पाया जाएगा जो कि ऐसे डिस्टिंक्ट कर देता है, टू फॉर्क में चेंज कर देता है, ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा, फ्रूट में और कुछ नहीं है। देखो हाँ ठीक है, यहाँ पे समझ लो कि ये रहा आपका साइजोकार्प, ऊपर के जो फ्रूट होते हैं पेडिसिल, पेडिसिल से निकला हुआ है ये अम्बलेट आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। कार्पोफोर ये होते हैं, अगर इन्हीं को, मतलब इनको अगर हम ऐसे तोड़ दें, ये बीच वाला है ना, ये बीच वाले में कट मार दें तो ये ऐसे था, लेकिन अगर हमने बीच में कट किया तो एक इधर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे, और एक इधर चला आएगा, तो ये एक जो है वो कार्पो, मतलब इसको जिसने बांटा है उसको हम लोग कार्पोफोर कहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद यही था। फिर सीड की बात करें तो सीड जो होते हैं वो हार्डी होते हैं, ऑयली इंडोस्पर्मिक होते हैं और स्मॉल एम्ब्रियो इनमें पाया जाता है। पॉलिनेशन की बात करें तो डेंस इन्फ्लोरेसेंस होने की वजह से, देखो यहाँ पर बात बहुत अच्छी है कि क्योंकि आपने देखा कि अम्बल इन्फ्लोरेसेंस है तो एक ही इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लावर्स थे, हमने देखा था ना टॉप व्यू देखा था तो बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो बहुत सारे फ्लावर्स थे तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन होंगे, बहुत सारे जब आएंगे इंसेक्ट आएंगे और मान लो वो एक ही फ्लावर पर बैठते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उसमें हो सकते हैं, तो यहाँ पर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि एक ही इंसेक्ट के ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन लग जाएं और वो जितनी जगह जाएं ये अपना पॉलिनेशन करते हुए जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, पता नहीं ये क्या हो गया, मैं समझाने में इतना बिजी हो जाती हूँ कि मैं देखती ही नहीं हूँ, तो ठीक है। तो ये बहुत अच्छा था कि यहाँ पर क्योंकि डेंस इन्फ्लोरेसेंस होता है तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो क्विकली भी होता है, ठीक है, बहुत क्विकली होगा और
और कुछ नहीं है यहाँ पर, नेक्टर्स जो होते हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें कैल्सिनी में है तो इसमें डिस्क भी प्रेजेंट होता है, तो डिस्क जो होता है वो मेन सेंटर होता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे नेक्टर्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, तो फ्लावर्स को क्या बनाते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड बना देते हैं, मतलब बहुत स्मेल, बहुत महक आती है उसमें से, बहुत खुशबू आती हैं, तो वो क्या करती हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। एंड क्योंकि इसमें अम्बल इन्फ्लोरेसेंस पाया जा रहा है तो बहुत सारे फ्लावर्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन उसमें होंगे, अगर एक इंसेक्ट गलती से भी यहाँ पर बैठ जाएगा ना तो बहुत सारे इसमें लग जाएंगे उनकी बॉडीज पे पॉलन ग्रेन, तो पॉलिनेशन ऐसे हो जाता है। ठीक है, वाइड वैरायटी मिल जाती है। अब ये इनका फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। तो सिंटेला का हम देखेंगे, तो इसमें सेंट्रल फ्लावर एक पेरिफेरल फ्लावर होता है, इससे कुछ नहीं करना है, बस ये याद कर लेना, ये इसमें पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, बस ये याद करना। ठीक है, बस ये याद करना। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि ब्रैक्टिएट है, तो सही बात है भाई, ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये रहे हमारे ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला ब्रैक्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया, एक्टिनोमॉर्फिक हर्माप्रोडाइट है, ये भी समझ में आ गया। कैलिक्स जो है वो 5 है और फ्यूज्ड है, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहे 3, ये रहे 4 और ये रहे 5। ठीक है, उसके बाद कोरोला की बात करें तो पेटल 5 है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 पेटल यहाँ पे 5 हो गए। एंड्रोशियम में 5 स्टेमन है, 1, अच्छा दूसरे कलर से कर दूँ क्या, देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 स्टेमन हो गए। गायनोशियम में 2 यहाँ पर इन्फीरियर ओवरी है, ठीक है, दोनों ही सिनकार्पस हैं, तो ये 1 हो गई, ये दूसरी हो गई, तो दोनों ही एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, ऐसे फ्यूज्ड हैं, तो इसीलिए ये फ्यूज्ड भी हैं और इन्फीरियर भी हैं और दो ही हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो वेजिटेबल में हम देखते हैं कि कैरेट हम खाते हैं, हम सिलेरी खाते हैं, हम बहुत सारी क्या मतलब, कैरेट इसमें आप सबसे ज़्यादा याद रखो, गाजर होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एज अ सैलेड आप यूज़ करते हो, एज अ वेजिटेबल आप उसका सब्जी बना करके खाते हो, गाजर का हलवा बनाते हो, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस गाजर की बहुत ही ज़्यादा है। ऑर्नामेंटल की बात करें तो कुछ प्लांट्स को हम लोग पर्पसली लगाते हैं कि वो अच्छा मतलब वो खिलते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, सजाने के काम आते हैं, गिफ्ट करने के काम आते हैं, तो कुछ को हम लोग पर्पसली क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ कराते हैं, जैसे कि पिंपिनेला हो गया, हेरिकुलस हो गया। ठीक है, तो ऐसे सब प्लांट्स को हम लोग पर्पसली लगाते हैं। मेडिसिन की बात करें तो अगेन सिंटेला जो है वो, इसको हम लोग ब्राह्मी बोलते हैं, ब्राह्मी आपने नाम भी सुना होगा, आयुर्वेदा में ये बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। ठीक है, तो ये एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, जो कि लिप्रोसी, ठीक है, लिप्रोसी के लिए यूज़ किया जाता है, लिप्रोसी के डिसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और इंसेक्टिसाइडल मतलब एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। स्पीसीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन जो मैंने ऊपर लिखी थी ना, वही स्पीसीज यहाँ पर हैं, तो प्लीज़ इनको आप लोग याद कर लेना, मैंने इसको दोबारा लिखा है, डैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप कोशिश करना कि आप याद कर लेना कि कौन सा किसका बॉटनिकल नेम है और कौन, जैसे आपको यहाँ पर तो मैंने बताई दिया ना, कॉरियमम जो है वो आपका कॉरिएंड्रम जो है वो आपका धनिया है, डाउकस आपका क्या है, डाउकस हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कैरेट है, फिर यहाँ पर एस्फोइडिया जो है, एस्फोइटिडा ये हमारी क्या है, हींग हो गई, फिर क्यूमिनम जो है वो आपने क्यूमिन सुना है, जीरा, ठीक है, तो जीरा हो गया। उसके बाद आपने हाइड्रोकोटाइल, हाइड्रोकोटाइल हमने ऊपर पढ़ा है क्या, देखो यहाँ पर अभी पढ़ा ना, ब्राह्मी, ठीक है, तो ये हमारी ब्राह्मी हो गई। उसके बाद ट्राइकोस्पर्मम, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैंने अम्बल बता दिया कि इसमें अम्बल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा, स्टाइलोपोडिया मैंने बता दिया, फ्रूट विथ रिजेस मतलब कि यहाँ पर कार्पोफोर पाया जा रहा है, ठीक है, कार्पोफोर, तो कार्पोफोर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ पर होते हैं वो एरोमेटिक स्मेल पाई जाती है इसमें, क्योंकि यहाँ पर डिस्क प्रेजेंट होता है जो कि नेक्टर्स या एसेंशियल ऑयल्स या रेजिन सिक्रीट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्मेली होते हैं, इसीलिए इनको एरोमेटिक इनके प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल अबाउट द एपीएससी फैमिली, एंड आई होप कि आपको ये फैमिली भी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।